ओके नमस्ते आदा मैं हूं संकल्प स्वागत है आपका इस नए सेशन में क्या बोलता है पब्लिक कुछ नया सीखने को तैयार है देन लेट द गेम बिगिन ओके चालू 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 सो so, कल ऐतिहासिक सेशन था जहां पे एक साथ आपने एक नई दो नई सात सात फॉर्मूलाज डिराइव किए एंड वाज ऑसम awesome. चलो तो सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे आपको क्या लगता है करेक्ट वी विल रिवाइज ऑल अवर फॉर्म्यूलाज तो बोलो सबसे फर्स्ट फॉर्म्यूला क्या था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन जनरल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकली करना है रिटर्न sure. तो सबसे फर्स्ट फॉर्म्यूला क्या है अपना यस द फर्स्ट फॉर्म्यूला इज कैलक्यूलेशन ऑफ रिटर्न कभी भी याद रखना आज के बाद जब भी, भी कोई भी दुनिया का ऐसे क्लास हो वो दो ही तरह के रिटर्न दे सकता है वो दो तरह के रिटर्न क्या है फॉर्मूला अपन लोग देखते हैं यस yes, बट वो दो तरह के रिटर्न क्या है एक रेगुलर इनकम मिलेगा दूसरा कैपिटल अप्रीसिएशन मिलेगा ठीक है तो एक आपको मिलेगा उसमें से कुछ कैपिटल अप्रिसिएशन दूसरा आपको मिलेगा रेगुलर इनकम दूसरा आपको मिलेगा रेगुलर इनकम ये जो कैपिटल अप्रिसिएशन है ये है बेसिकली पी वन माइनस पी जीरो जितने में लिया था और आज जो भाव हो गया है तो जो भाव बढ़ गया है उस पार्टिकुलर एसेट का वो मेरे लिए एक रिटर्न है रेगुलर इनकम इट कैन बी इन डिविडेंड और इंटरेस्ट और एवरीबॉडी ये दोनों को मिला के बनता है रिटर्न एंड देर फर मेरा फॉर्मूला बन गया रिटर्न का पी वन माइनस पी जीरो प्लस इनकम अपॉन टी जीरो क्लियर एवरीबॉडी चल डन सो ये हो गया मेरा एक्सपेक्ट रिटर्न रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया रिटर्न को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया क्या था वो एक बेस्ड ऑन पास्ट दूसरा बेस्ड ऑन फ्यूचर सो रिटर्न इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट वन इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड दर इज बेस्ड ऑन Future. When the return is based on past, it is called as average return. And when it is based on future, it is called as expected return. Average return or expected return, you always denote it by X bar. Okay? okay. Formula for average return. So, can I say X bar in terms of past data average return? भी पास्ट का डेटा अवेलेबल है सबको समेट करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ यन एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार इज इक्वल टू इनटू प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी सो दैट इज हाउ योर रिटर्न वर्क्स आउट दैट इज हाउ योर रिटर्न वर्क्स आउट एनी डाउट्स डाउटी बोलो बोलो चल 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 क्लियर सो ये भी हम लोग का रिटर्न भी पूरा क्या था? पूरा क्लियर हो गया था ठीक है अब इसके बेसिस पे क्या ना इसे अपन लोग ने दोनों का रिस्क कैलकुलेट किया था क्या तुम लोग को ये फॉर्मुल अभी रट्टा मारना पड़ रहा है या ऑटोमैटिकली दिल से आ रहा है क्या यह स्टैटिस्टिक्स लग रहा है या इट इज यू नो विद द फ्लो चीजें जम रही है तुम लोग को क्लियर है नाइस नाइस वन नाइस वन चलो अब मैं जब रिस्क की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे जहन में मेरे दिमाग में आता है वर्ड वराइंस ठीक है देखो रिस्क इज बेसिकली वराइंस दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड अब रिस्क होता क्या है रिस्क इज बेसिकली डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन सिंपल ऑलवेज इन लाइफ में इन जनरल बोल रहा हूं ठीक है फॉर्मूला में यूज हो रहा है वो अलग बात है बट इन जनरल आप कुछ सोच रहे हैं वैसा होगा या नहीं होगा इज अ रिस्क बेसिकली सो एक्सपेक्टेशन से डिविएट होना इज कॉल्ड एज अ रिस्क तो आइडियली एक्स माइनस एक्स बार रिस्क होता है ऑब्वियसली इतने सारे मेरे पास चार से पांच साल का डेटा अवेलेबल है तो उनका मैं समेशन कर दूंगा बराबर फॉर द नंबर ऑफ इयर्स विच इज अवेलेबल बट जब मैं ये करता हूं आई रियलाइज दैट दर इज अ मैथमेटिकल इशू जिसकी वजह से ये जीरो हो जाता है तो मैं कर देता हूं इसका स्क्वायर बट आइडियली मेरे को इसका स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए मेरे को इसका रूट चाहिए विच इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड डिविएशन So, मेरा रिस्क है क्या मेरा रिस्क है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी क्लियर एवरीबॉडी चल तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करेंगे सेम टू सेम चीज लिख लेंगे अपन सेम टू सेम चीज एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर ठीक है एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क् अपॉन एन है yes सर सो so, ये बन जाता है मेरा क्या स्टैंडर्ड डिविएशन बट बस एक इसमें डाल देना है अपने को रूट इसमें डाल देना है अपने को रूट फिर बाद में दूसरे साइड पे आता है रिस्क बट अब फ्यूचर के बेसिस पे सो so, लिखना वापस से वही है लिखना वापस से वही है क्या वरायंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वेर बस अब अपन लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी यस दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई प्रॉबिलिटी अच्छा एवरीबॉडी एंड एंड देन इसी का स्टैंडर्ड डिविएशन भी तो निकालना है इसी का स्टैंडर्ड डिशन भी तो निकालना है दैट विल बी दिस सो रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इंटू प्रॉबिलिटी डन चल अच्छा बस दे देखो ये ध्यान में रखने का भाई ये ध्यान में रखने का ये इधर और एक आएगा यहां पे भी बता दू मैं आपको मूमेंट सो वॉट वी विल डू इज x माइनस एक्स बार करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करेंगे फिर उसका समेशन करेंगे राइट right. अच्छा आ, कल आई थिंक शिखर तेरे को नहीं आ रहा था सम्स तूने किया ट्राई सम्स आया थोड़ा थोड़ा तेरे को अभी करेक्ट हो रहा है बैठ रहा है डोंट वरी अभी अपने को और बहुत सारा सम्स करना बाकी है साथ में और बहुत सारी चीजें करेंगे मेन क्या है मेन ये फॉर्मूला समझ लो फॉर्मूला समझ लिया ना फिर sums आराम से हो जाएगा आई नो कल थोड़ा तो सा एक फटाफट -फड़ करना था बट हो गया चलो ग्रेट 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 शिखर बोल रहा है सब मेरी तरफ से भी हो गया है आई एम ऑल्सो ऑल सेट चल तो इधर तक एनी क्वेश्चन एनी बडी एनी क्वेश्चन एनी बडी स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर आएगा ना स्क्वायर आएगा ना एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी स्क्वायर आएगा यस चल सो ऑल सेट टू टेक इट ओवर फ्रॉम सबसे पहला काम होता है अपना रिवाइज करना जो अपन लोग ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है अब खाली एक ही चीज क्या नींद में से भी कोई उठा के पूछेगा तो ये वाले जो फॉर्मूलाज है सात फॉर्मूलाज कभी भी बोल दोगे ठीक है और अभी नहीं मैं बोलता हूं शायद दस साल बाद भी इसका जरूरत पड़ जाए इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मुलाज पब्लिक प्रैक्टिकली यूज करता है इसको क्या तभी भी तुम लोग ये सब बोल पाओगे पाओगे एवरीबॉडी मैनेज कर दैट्स दैट्स ग्रेट ग्रेट टू टू नो नो चलो बढ़िया सो so, आगे बढ़ते बिकॉज है ना ये चैप्टर का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ही ये है कि पब्लिक को फॉर्मूलाज ही याद नहीं रहता है और अपन लोग तो फॉर्मूलाज एक, -एक डिराइव करके कर रहे हैं सो कभी भी प्रॉब्लम अपने को नहीं आना चाहिए मतलब तुम लोग खुद चीजें देखो क्वेश्चन करना चालू कर दो यहां पे स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया एंड ऑल ऑफ दैट दैट इज रियली रियली चलो अब ये तो अपन लोग ने जो चीजें सीखी जो चीजें समझी ऑल ऑफ दैट वॉज एट इंडिविजुअल शेयर लेवल कि भाई अब मेरे पास एक म्यूचुअल फंड वाला आया तो बोला कि सर मेरा ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या से फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड आया उसने बोला ये वाले शेयर में इन्वेस्ट कर तो अपन लोग उसको क्या पूछेंगे अरे ये वाले शेयर का पास रिटर्न क्या है अरे ये वाले शेयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है तो सब इंडिविजुअल शेयर का रिटर्न इंडिविजुअल शेयर का रिस्क इज वॉट वी हैड टेकन केयर ऑफ बट रियल लाइफ में आप मेरे को बताओ क्या एक आदमी के पास खाली एक ही शेयर रहता है या देयर इज अ कॉम्बिनेशन और अ मल्टीट्यूड ऑफ शेयर बोलो बोलो चल चल करेक्ट सो प्रैक्टिकली सो प्रैक्टिकली करेक्ट एवरी इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर विल हैव Multiple shares in its portfolio, and now we will understand. We will understand Kya, we return and risk. बट एट करे पोर्टफोलियो लेवल रिटर्न एंड रिस्क एट पोर्टफोलियो लेवल ए समझ तो अब आने वाला है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो लेवल रिस्क एंड रिटर्न ठीक है कॉन्सेप्ट ऑफ या कॉन्सेप्ट एट द रेट पोर्टफोलियो लेवल किसका पोर्टफोलियो रिस्क पहले राधा लिखते हैं अपन लोग पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क अच्छा अच्छा चलो डन 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 सो so, ऑब्वियसली जब वो पोर्टफोलियो लेवल पे होगा जब वो पोर्टफोलियो लेवल पे होगा सो देर विल बी मोर देन वन सिक्योरिटीज मोर देन वन सिक्योरिटीज ठीक है चलो इधर तक सर समझ में आ गया कोई टेंशन नहीं है अब पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला पे आते हैं बट क्या अपन फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं या उसको हाँ डिराइव करते हैं आ जाओ पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला भी इसी तरह से डिराइव करने की कोशिश करेंगे इसी तरह से डिराइव करने की कोशिश करेंगे सबसे पहला पोर्टफोलियो रिटर्न का सबसे पहला फॉर्मूला इज पे अटेंशन गाइस इज पे अटेंशन से एग्जांपल लेते हैं मिस्टर संकल्प का मिस्टर संकल्प के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में तो मिस्टर संकल्प के पास एक लाख रुपए थे कितने एक लाख रुपए उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया दो कंपनीज में विच हैव द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब पता है अपने को नहीं पता है कोई बात नहीं जाके मेरी रील देख लो फाइनेंस की उससे पता चल जाएगा एनी वे जस्ट जो सो ये चैप्टर में मार्केट कैप क्या है एंड मतलब होता है जितने भी मार्केट में शेयर अवेलेबल है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे उन शेयर्स का मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है कंपनी का टोटल मार्केट कैप मतलब आज की तारीख में रिलायंस के टोटल मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग या टोटल 10 करोड़ है शेयर होल्डर्स के पास एक शेयर होल्डर का प्राइस कितना है रिलायंस का ऑन द स्टॉक मार्केट से 2500 सो so, 2500 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द आउटसाइड मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट so, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की टॉप टू कंपनीज कौन सी है ये तुम्हारे को मेरे को बताना है एंड टू कंपनीज आई विल इन्वेस्ट इन वेरी नाइस करेक्ट इट इज रिलायंस एंड इट इज टीसीएस सो मैंने से इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एंड दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया टीसीएस में रिलायंस में मैंने वन लाख में से इन्वेस्ट किया रुपीज फोर्टी थाउजेंड टीसीएस में मैंने इन्वेस्ट किया रुपीज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज सिक्सेंड चलो ठीक है डन है इधर तक ये सर डन है नो प्रॉब्लम सर एच अभी आगे चल रहा है टीसीएस से अब ये तो देखो ऐसा ही है यार शेयर मार्केट का तो कभी कौन ऊपर नीचे होते रहता है फिलहाल के लिए मैंने ये दोनों कंपनीज ले ली है फोर्टी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड मैंने इन्वेस्ट किया रिलायंस का ध्यान से सुनना अभी एक आंसर तुम लोग को देना है क्योंकि तुम लोग बनाओगे। रिलायंस का एक्सपेक्टेड रिटर्न है या एवरेज रिटर्न है जो अपना एक्स बार होता है एटीन परसेंट एंड टीसीएस का टीसीएस का है, 15 तो एक का है 18%, दूसरे का है फिफ्टीन परसेंट अपने को बताना है वॉट इज गोइंग टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न वॉट इज गोइंग टू बी द पोर्टफोलियो रिटर्न क्या आप बता सकते हैं मुझे ये मेरा पोर्टफोलियो है आप ऐसा सोचो कि मैं आपका फ्रेंड हूं और मैं आपके पास एडवाइस के लिए आया हूं मैंने आपको ये मेरा इन्फॉर्मेशन बता दिया कि यार देख मैंने थोड़ा फोर्टी थाउजेंड रिलायंस में डाला है सिक्सटी थाउजेंड टीसीएस में डाला है ये दोनों से इतना एक्सपेक्टेड है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न और द एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न टेल मई एवरीबॉडी सोच समझ के कोई मेरे को घाई नहीं है दो अलग अलग आंसर आ गए मेरे पास अभी ऑलरेडी uh, कोई बोल रहा है सिक्सटीन पॉइंट टू कोई बोल रहा है सिक्सटीन पॉइंट फाइव कैन यू ऑल्सो शेयर योर कैलक्यूलेशन दो आंसर क्यों आ रहे भाई एक ही आंसर आना चाहिए हम्म बोलो बोलो टेल टेल सर वेटेड एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया एकदम सही तो अलग-अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई किस अच्छा ये लोग ने एवरेज रेट ले लिया 18% और 15 का अरे ऐसे थोड़ी होता है 18 15 टू वाह वाह अच्छा ओके ओके चलो गुड जिसका भी 18 16.5 आया है मतलब तुम लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं यहां पे 40000 डालूं या 75000 डालूं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कर दू तो भी तुम्हारा तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट ही रहेगा मैं टेन थाउजेंड मैं डालू, डालू तो फाइव तो फाइव समझ में आया तुम लोग की गलती क्या है कि भाई 18 प्लस 15 तो तुम लोग ने किया बट किसमें कितना इन्वेस्टमेंट है वो भी तो मायने रखता है ऑल्सो दैट ऑल्सो काउंट्स एवरीबॉडी नो गच्चा एवरीवन जिसका 16.5 पॉइंट फाइव आया था इज दैट पर्सन वेरी क्लियर नाउ सौरभ राजपूत समझा को बेटा नेहा नार्वेकर समझा आपको बेटा क्या गलती कर रहे हैं आप बीवी सोने मिस्टेक अरुण डे मिस्टेक जो भी जिसका भी नाम लिया सब लोग बोलते जाओ मेरे को समझा तुम लोग को भाई यहाँ पे देखो भी तो सही कि कितना किसका हाँ वजन है वेट है इन्वेस्टमेंट है बिकॉज अदरवाइज़ तो 18 फिफ्टीन रखू या सिक्सटी फिफ्टी रखू तुम लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार ओके okay, सर समझ गए समझ गए सर ठीक है तो अब 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 रीसॉल्व करके बताओ क्या रहा है तुम लोग का रिसोल्व करके बताओ क्या रहा है तुम लोग का जल्दी जल्दी में भावनाओं में बह गए कोई बात नहीं आराम से बेटा जल्दी का काम शैतान का काम जल्दी नहीं करेंगे लॉजिकली इट शुड बी बॉस मेरे को यहां पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है फोर्टी थाउजेंड का उस पे एटीन परसेंट मिलने वाला है एंड दूसरा जो इधर सिक्सटी थाउजेंड किया है उसपे फिफ्टीन परसेंट मिलने वाला है सो कहना से यहां पे सात हजार दो सौ मिल जाएगा इधर से यहां से मेरे को मिल जाएगा सिक्सटी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट नाइन थाउजेंड समझ में आया क्या गाइस ठीक है सो 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 टोटल कितना हो गया रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सोलह हजार दो सौ रुपए इज वॉट आई एम मेकिंग फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट ऑफ वन गिविंग मी अ रिटर्न ऑफ 16.2 पॉइंट टू क्लियर आलियर एवरीबॉडी आवी क्लियर एवरीबॉडी बोलो बोलो टहल टैहल अब इसको थोड़ा और सिंपल वे में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई देखो देखो आ, देखो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि भाई देखो सर अपने को 18% परसेंट का रिटर्न मिल रहा है करेक्ट ऑन वॉट ऑन आर 40% इन्वेस्टमेंट एम आई राइट प्लस मेरे को 15% परसेंट का रिटर्न मिल रहा है ऑन आर 60% परसेंट इन्वेस्टमेंट यस सर एब्सोल्यूटली करेक्ट सो कैन आई राइट दिस एज सर 18% परसेंट ऑन फोर्टी परसेंट प्लस फिफ्टीन परसेंट ऑन सिक्सटी परसेंट तो सेवन पॉइंट टू प्लस नाइन इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट टू परसेंट डायरेक्टली आ जाएगा तो कैन आई सेनाई से दैट 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 पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला गाइज 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 पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला आ रहा है सो देर फॉर देर फर पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू क्या लिखा है देखो पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू क्या वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ये देखो एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए विच इज ए बार प्लस वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी विच इज बी बार गचा एवरीबडी देन परफेक्ट अब यहां पर अपन लोग ने वेट निकाल ही लिया है तो अपन लोग लिख लेते हैं वेट इज इक्वल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट अच्छा एंड 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 वेट्स के बाद बराबर ओके एंड ए बार या बी बार क्या होता है इट इज योर एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरीबॉडी समझ सब्जी गुड तो क्या से आज का और एक फॉर्मूला हो गया क्लियर अगेन फॉर्मूला लॉजिकली क्लियर हो गया खुद से अभी नेक्स्ट टाइम कर पाओगे डन वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई ये वेट आ गया ना उसमें तेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी देख आ गया है तो अलग से वापस से टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड नहीं करना है दीपा कुमार अच्छा एवरीबॉडी एनी डाउट चलो लिख लिया तुम लोग ने सो so, मेरा पोर्टफोलियो रिटर्न क्लियर है अब सो so देर फॉर पोर्टफोलियो रिटर्न for n number of securities in the portfolio will be so portfolio return for n number of securities in the portfolio will be weight of x weight of x multiply by x bar which is average और एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेट ऑफ वाई वाई का एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एन बार अच्छा एवरीबॉडी एवरेज रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी डिवाइड नहीं किया है भाई गॉड oh अरे एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये और का साइन है भाई अगर पास्ट डेटा दिया है तो तेरे को एवरेज रिटर्न मिलेगा फ्यूचर का डेटा दिया है तो तेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा तो एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न ठीक कोई बात कोई बात नहीं प्लीज चलो डन डना डन डन ओके सर ओके ओके डन क्लियर इधर तक नेक्स्ट अब पोर्टफोलियो रिटर्न हो गया अब क्या फाइंड करने की कोशिश करोगे हाँ सर क्वेश्चन हाँ बोलो 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 क्या क्वेश्चन है yes. करें से अब अपन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अच्छा बाय द वे जिसको भी कल वाला स्टैंडर्ड डिविएशन वाला सम में इश्यू है आज अपन करेंगे और सम्स मोस्टली इफ नॉट आगे करना ही है अपने को सो उससे क्लियर हो जाएगा एंड बाकी ट्राई भी करोगे जो अपन ने कल फॉर्मूलाज किया उससे भी हो जाएगा अरे मतलब बुक से क्वेश्चन आएगा आएगा बेटा पहले पोर्टफोलियो रिस्क भी समझ लेते हैं बहुत घाई है इनको रहा नहीं जाता इनसे अब वेरी गुड यही एक्साइटमेंट चाहिए आपके चैप्टर के लिए सो so, अब नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो रिस्क के ऊपर ठीक है सो बेसिकली व्हाट इज रिस्क कैन आई से स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिशन इज रिस्क अब अपने को फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन किसका पोर्टफोलियो का किसका पोर्टफोलियो का Done. ठीक है Done. चलो करेंगे स्टार्ट लेट्स सो so, अब यहां पे से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं लास्ट टाइम मैंने किसमें इन्वेस्ट किया था रिलायंस में एंड रिलायंस में एंड टीसीएस में चलो अब मैं इन्वेस्ट करता हूं और दो कोई कंपनीज में इंफोसिस ले लो यार एंड दूसरा मैं ले लेता हूं ओ ठीक है ये है एक ए, ये है ए कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं दोनों में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं तो एक में इन्वेस्ट कर रहा हूं फोर्टी थाउजेंड एक में इन्वेस्ट कर रहा हूं सिक्सटी थाउजेंड ठीक है सो 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 उससे मुझे क्या मिल जाएगा वेट मिल जाएगा कैन आई से इन शॉर्ट फोर्टी परसेंट विच इज जीरो पॉइंट फोर इन्वेस्ट किया है ए में एंड सिक्स परसेंट विच को बराबर है ठीक है बाय द वे जस्ट एक आइडिया दे दू कि इंफोसिस एक एक्सपोर्टर है और ओ इसका किसका एक्सपोर्टर है एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज तो जब वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके अकाउंट में डॉलर आता है और ओएनजीसी क्या है ओ एक इंपोर्टर है पता है तुम लोग को यह बात थोड़ा सा जग्गा बनाना पड़ेगा हम्म और ओ क्या है इंपोर्टर है क्या है का इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इसका डॉलर इनफ्लो है इसका डॉलर आउटफ्लो है जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं क्यों आगे पता चलेगा ठीक है ओके ओके चलो अब समझो इधर ही मैं तुम्हारे को वेट के साथ साथ दे देता हूं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ठीक है ये लोग मैं रिस्क भी दे देता हूं तो कितना होता है एट परसेंट एंड ट्वेल्व परसेंट अब क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो प्लीज एवरीबॉडी देखो रिटर्न कैसे तुम लोग ने खुद ही कैलकुलेट कर दिया था मैंने खाली तुम्हारे को इतना सा एग्जाम्पल दिया और ये बच्चे इतने होशियार है मैं बताऊं क्या इन्होंने खुद ही सब कैलकुलेट करके मुझे बता दिया वेरी गुड यार वेरी गुड अब क्या यहां पे भी आप लोग उसी चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे क्या चलो देखते हैं लेट्स वेट एंड वॉच आई एम वेटिंग दो मिनट में वेट कर रहा हूं कमा वेरी गुड सबका आंसर अब सेम आ रहा है लास्ट टाइम रिटर्न वाले में फिर भी थोड़ी ऊंच नीच थी इस बार तो सबका सेम है और सुनो हो, यूज नहीं करना है ऐसा ओ भाई साहब प्लीज तुम लोग भी मुझे आंसर दो चाहिए तो ये लोग मैसेज कर रहे तुम व्हाट्सएप कर दो या कहीं पे लिख दो बोल दो वाइब आ रहा है वाइब क्या रहा है तुम्हारा ठीक है so, चलो पब्लिक बोल रहा है सर टेन पॉइंट फोर रिस्क है बट हम लोगों को रिस्क मिनिमम करना होता है अच्छा दीपा को सब पता है मैक्सिमम तो बहुत दूर की बात है मिनिमम कैसे करेंगे ये नहीं पता दीपा मिनिमम कैसे करेंगे वो दूर की बात है तुझे रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है वो ही नहीं पता हा अब मैं बताता हूं तो अब सब लोग ने कैलकुलेट किया है यहां पर सर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सब लोग ने कैलकुलेट किया एकदम मस्त सर वेट लेंगे अपन कितना वेट है सर फोर्टी परसेंट तो जीरो पॉइंट फोर इंटू एट प्लस 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 जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेल्व तो देखो कितना आता है देखो देखो एट इंटू पॉइंट फोर एंड ट्वेल्व इंटू पॉइंट सिक्स तो ये अपना आ जाता है टेन पॉइंट फोर ठीक है so, सो सबका टेन पॉइंट फोर आ रहा है दीपा जी बोल रही है सर ये तो इजी था मेरे को भी आता है निकालने को अब सबको बता दू ये गलत है <laughs> मुझे बता था मुझे बता था कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस की आत्मा हो चलो देखो अभी इधर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना आता है दीपा को आई बड़ी तो आपने 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 कॉन्फिडेंस की धज्जिया उड़ा दी एक्जैक्टली exactly, वही चाहिए था क्या है ना एक देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस मैं देख रहा था तुम इधर तक तो पहुंच हो अब थोड़ा थोड़ा इधर जा रहे हो तो क्या तुम्हारे को जमीन पे लाना जरूरी था और ये अपना स्टाइल है बाबू भैया चलो आ जाओ अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सर हमने जैसे कैलकुलेट किया वैसे नहीं कैलकुलेट करना था तो कैसे कैलकुलेट करना है आओ बताता हूं। आओ बताता बताता देखो सबसे पहले जब अपन लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो तुम लोग भूल गए कि अपन लोग क्या करते थे अपन लोग सिग्मा स्क्वायर का रूट लेते थे भाई रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो होता क्या है आई मीन रिस्क इन जनरल होता क्या है स्टैंडर्ड डिशन बराबर है बट क्या वो अपन लोग स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट निकालते थे क्या वरास के थ्रू जाते थे क्या ना इसे वराइंस के थ्रू जाते थे सो वॉट वी वुड फर्स्ट डू वी वुड फर्स्ट फाइंड आउट द वराइंस वी वुड फर्स्ट फाइंड आउट द वराइंस देन उसको अपन लोग स्क्वायर रूट करते थे सेम चीज यहां पे भी फॉलो होगी भैया सेम चीज यहां पे भी फॉलो होगी ठीक है तो अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो में क्या करेंगे ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना अपने को चाहिए अभी से एग्जाम्पल वायंस निकाल रहे हैं ठीक है तो अपने को कौन है अपना ए है तो ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले ठीक है प्लस बी का स्क्वायर निकालना पड़ेगा इन दोनों को अब स्क्वायर तो निकाल लिया बट इन दोनों का वेट्स अलग अलग है ठीक है तो वेट्स का भी स्क्वायर आएगा वेट्स का भी स्क्वायर आएगा समझे क्या एवरीवन हे बच्चा एवरीबॉडी और फिर इसको अपन लोग क्या करेंगे कर, फिर इसको अपन लोग क्या करेंगे रूट करेंगे फिर इसको अपन लोग क्या करेंगे रूट करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा जो अपने को चाहिए क्या इधर तक सब लोग को क्लियर है अब सब लोग को क्लियर हुआ और भी चीजें क्लियर हुई यहां पे प्लस वेट ऑफ एन स्क्वेयर एन सिग्मा स्क्वेर एन अरे बोलो ना बोलते क्यों नहीं एनी डाउट से ठीक है अब यह भी इनकम्प्लीट है और क्यों इनकम्प्लीट है वो अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं so, इधर तक सही है कोई टेंशन नहीं है बट दिस इज इनकम्प्लीट अबाव फॉर्मूला इज ये फॉर्मूला जो तुमने निकाला वो तो अब्जोल्यूटली रॉन्ग ही है ठीक है फिर अपन लोग ने बोला सर क्या रॉन्ग है तो मैंने तुम लोग को बताया भाई स्क्वायर वाली चीज तो तुम लोग को लगा हाँ, हाँ ये सर समझ में आया ये सही लग रहा है बट अब फॉर्मूला इज ऑल्सो इनकम्प्लीट बिकॉज इट इग्नोरस ज्वाइंट रिस्क ज्वाइंट रिस्क ज्वाइंट रिस्क अब आ रहे अपन लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना रिस्क के अंदर और एक कॉन्सेप्ट आ रहा है अब यहां पे। अब समझो समझो पे पे मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि पोर्टफोलियो बना रहा हूं मैं जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूं तो कहना इसे मोर देन वन सिक्योरिटीज होती है अब अगर मोर देन वन सिक्योरिटीज होती है तो उन पोर्टफोलियो का कंबाइंड रिस्क देखना पड़ता है सो देर इज अ कनेक्शन ऑफ पोर्टफोलियोज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रिस्क तो पोर्टफोलियो रिस्क में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एज ज्वाइंट रिस्क क्या है ये सर ज्वाइंट रिस्क आओ मैं आपको बताता हूं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ने ये अपने एग्जाम्पल में इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है ओ एन जी सी में इन्वेस्ट किया है ठीक है अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ठीक है अगर डॉलर अगर डॉलर ध्यान से सुनना प्लीज ये है एक्सपोर्टर ये है इंपोर्टर बराबर है अगर मैं बोलता हूं वन डॉलर इक्वल टू रुपीस एटी था ये था अब ये हो गया है वन डॉलर इक्वल टू रुपीज नाइंटी किसके लिए गुड किसके लिए बैड या दोनों के लिए गुड या दोनों के लिए, लिए, लिए बैड आप लोग को सोच समझ के बताना है वन डॉलर इक्वल टू एटी से वन डॉलर इक्वल टू नाइंटी हो गया है सोच समझ के घाई मत करना घाई में तुम लोग ना फिर मिस्टेक करते हो मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है बट आई वॉन्ट राइट आंसर लॉजिकल आंसर कौन खुश होगा कौन ना खुश होगा हु विल से सेव अच्छा हुआ गुड हु विल से बैड या दोनों बोलेंगे गुड या दोनों बोलेंगे बैड बोलो नाम लिखना है आपको इन्फोसिस बैड गुड ओ एनजीसी गुड बैड ये आपको बताना है बोलो बोलो चल चल सबको आंसर देना है गाइस यस देखते हैं इनके जवाब गुड फॉर इन्फोसिस बैड फॉर ओ एनजीसी गुड फॉर एक्सपोर्टर बैड फॉर इंपोर्टर जेब बात वेरी नाइस सो कैनाइ से कैनाइ से अगर डॉलर वन डॉलर इक्वल टू एटी का वन डॉलर इक्वल टू नाइन्टी होता है सो इट इज समिंग गुड दैट इज एपनिंग फॉर एक्सपोर्टर सो कैनाइ से कैनाइ से इसका रिस्क कम हो जाएगा गुड बराबर है बैड अब इसके लिए कैन आई से लो रिस्क हो जाएगा बट इसके लिए कैन आई से हाई रिस्क हो जाएगा अब यहां पे जब आप पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते हो इन दोनों के रिस्क को भी आपको देख के चलना है यू हैव टू कंबाइन देयर रिस्क and and that is called as joint risk. risk You have to combine their risk and that is called as joint risk. Are we understanding, guys? समझ में आ रहा है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो ठीक है बट साथ में अभी रिस्क का भी प्रोफाइल एक दूसरे को मैच करना पड़ेगा कि नहीं एवरीबॉडी सोनू यस सर ठीक है और एक और एक एग्जांपल देता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ मैं चलो से फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेस्ट किया तो इधर मैं आप लोगों को यह बता भी दू कि इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच जो जीप बीच में है वो क्या बैठ रहा है दोनों का रिस्क पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है दोनों का रिस्क पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव लग रहा है क्या ना इसे दोनों के बीच में एक नेगेटिव को है नेगेटिव को मतलब एक ऊपर गया तो दूसरा नीचू गया बराबर है अगर इसी के जगह पे चलो चलो इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं दूसरा एग्जाम्पल पे जाऊं उसके पहले अगर इसी की जगह पे गाइस 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 प्लीज फोकस करना क्योंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं अगर इसी की जगह पे ये मेरा छोटा सा एक चेंज हो गया वन डॉलर इक्वल टू रूपीज सिक्सटी फाइव हो गया समझो ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा आई से कहानी उलट फेर कहानी में उलट फेर हो जाएगा आ वी क्लियर एवरी वन सो अब एक्सपोर्टर विल बिकम बैड एट उसके लिए हो जाएगा हाई रिस्क इंपोर्टर विल से गुड एट उसके लिए हो जाएगा लो रिस्क तो कहना से इन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जब एक ऊपर तो दूसरा नीचे सो 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 नेगेटिव कोरिलेशन मींस नेगेटिव कोरिलेशन मींस बोथ हैव ऑपोजिट रिस्क प्रोफाइल वेन वन गोज अपर डाउन सैमजे एन वाइसेवरसा एन वाइसेवरसा तो ये इससे इसके हिसाब से भी तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा क्लियर सर पोर्टफोलियो में इंपोर्टर एक्सपोर्टर का रिस्क कैसे मैच करेंगे अरे मेरे भाई दोनों का रिस्क इंपोर्टर एक्सपोर्टर का रिस्क मैच नहीं कर रहे अपन अपन दो कंपनीज का रिस्क देख रहे हैं जिसमें एक इंपोर्टर है एक एक्सपोर्टर है तो दोनों का जो रिस्क प्रोफाइल है दैट इज डिफरेंट तो जब मैं पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट करूँ कि ओवरऑल कितना रिस्क है तो मेरे को इस चीज को भी ध्यान में रखना है which is called as a joint risk which is called as a joint risk say 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 chal main abhi aur ek example deta hu suppose mera portfolio suppose mera portfolio consists of only banking stocks theek hai to ek hai mere paas idhar hdfc bank और दूसरा है मेरे पास इधर Axis bank. अब मेरे first lecture पे जाओ फर्स्ट लेक्चर पे जाओ अगर 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 यहाँ पे आरबीआई ने आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट गाइस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया दोनों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा गुड और बैड बोलो बोलो चल चल क्या इंपैक्ट आएगा गुड और बैड से दोनों के ऊपर गुड या दोनों के ऊपर बैड करेक्ट सो क्या से यहां पे ये भी बैड तो ये भी हाई रिस्क में आ गया और भाई ये भी बैड ये भी हाई रिस्क में आ गया तो अब अगर दोनों बैड है और अगर दोनों इधर मेरे लिए हाई रिस्क में आ रहे हैं दोनों बैड है एंड दोनों मेरे लिए हाई रिस्क में आ रहे हैं देन इन दैट केस कैन आई से ये इन दोनों का ज्वाइंट रिस्क हुआ करेक्ट अब 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 समझो 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 आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया चलो इधर ही करता हूं आर बी आई ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया तो कैन आई से दोनों के लिए गुड हो जाएगा नहीं से दोनों के लिए रो रिस्क हो जाएगा अब इन दोनों का कोरिलेशन कैसा है बेटा बरखुरदार इन दोनों का कोरिलेशन कैसा हुआ इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन यानी एक ऊपर तो दूसरा भी एक डाउन तो दूसरा भी डाउन बाबा समझ में आया सो 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 यहां पे अपन लोग लिख देंगे क्या कि ये क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन मींस बोथ हैव सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स बोथ हैव सिमिलर रिस्क प्रोफाइल्स वन अप अदर अप वन डाउन ठीक है बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन एवरीबॉडी गाइस किसी को भी डाउट है इतना समझ में आया फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूं आगे डोंट वरी बट पहले पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव वो समझ में आया तुम लोग को ज्वाइंट uh, रिस्क समझ में आया मेन मेरे लिए यहां पे ज्वाइंट रिस्क है यहां पे मेन मेरे लिए रिस्क है कोरिलेशन इसको कनेक्शन बोल देंगे चलो कैन आई से दोनों में पॉजिटिव कनेक्शन है नेगेटिव कनेक्शन है यूज द वर्ड कनेक्शन आगे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आने वाला है तब मैं तुम लोग को बोल दूंगा सीधा ओ वो याद है क्या मेरा एग्जाम्पल क्लियर अब एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं जहां पे जहां पे हो सकता है कि इन दोनों में जीरो कनेक्शन हो सिर्फ और एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो है मेरा पोर्टफोलियो है जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है डीमार्ट में डीमार्ट का स्टॉक पता है एवेन्यू सुपर और दूसरा मैंने इन्वेस्ट किया है नायका में लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स क्या डीमार्ट का और नायका का कोई लेना देना है क्या दूर दूर तक नहीं है तो इन दोनों के बीच में क्या है किस्मत कनेक्शन इन दोनों का है क्या द आंसर इज नो जीरो किस्मत कनेक्शन समझ रहे हो तुम लोग जीरो ज्वाइंट सो ऊपर से अपन ने क्या सीखा सो so, From above examples, we understand that. So, from above examples, we understand that in a portfolio. डिफरेंट सिक्योरिटीज है जॉइंट रिस्क एज को वराइंस नाम देखो नाम देखो नाम से समझेगा एक सेकेंड देखो वराइंस क्या होता है डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन बराबर है कितना वेरी कर रहा है वो कितना दूर है दो जन का रिस्क क्या होगा एक जन का रिस्क वैंस तो दो जन का रिस्क आ, समझ में आई बात एवरीबॉडी इधर मैं लिख देता हूं तुम लोगों को याद रहेगा एक सिक्योरिटी का रिस्क क्वल टू वरास मोर देन वंस सिक्योरिटी का रिस्क को वरास वाह वाह को एवरीबॉडी बोलो बोलो चल चल य लिखना बाकी है पता है अभी तो मैं तो फ्लो में हूं ना बस अब फॉर्मूला आ रहा है फॉर्मूला आ रहा है दो मिनट दो मिनट बस दे दो फॉर्मूला आ रहा है, है समझ में आया तुम लोग को ये कोवराइंस क्या है बेसिकली जॉइंट रिस्क बिटवीन मोर देन वन सिक्योरिटी मोर देन वन सिक्योरिटी समझ में आया डन है डन है डन है डन है सर अब लास्ट में बस बता रहा हूं तुम लोग को कि भाई अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है अब तक तुम लोग ने देखा क्या कि भाई रिस्क इज से वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए रादर यू कैन से इधर स्क्वायर दोनों जगह पे आएगा प्लस वेट ऑफ बी समेश स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी प्लस अब खाली इन दोनों से काम नहीं चलेगा अब अपने को देखना है को ऑफ ए विद बी मतलब बेसिकली जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी प्लस को ऑफ बी विद ए मतलब कहना है इससे जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी ये क्या होता है बेसिकली जॉइंट रिस्क ऑफ ए विद बी एंड जॉइंट रिस्क ऑफ बी विद ए तो ये हो गया को वराय ए बी ये हो गया को वराय बी ए है तो एक ही चीज सो कैन आई से वी कैन राइट दिस एज टू ए बी सो अब गाइस आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला आ रहा है आ रहा है एंड दैट इज रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वेर इंटू सिग्मा ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वे इंटू बी प्लस टू कोवराइंस ए बी प्लस टू कोवराइंस ए बी अब लास्ट सी सुनो सुनो दो मिनट सुनो अब टू कोवराइंस ए बी तो समझ में आ गया ए का बी के साथ बी का ए के साथ बट इसमें भी तो अपने को पता होना चाहिए ज्वाइंट रिस्क तो इतना है पर दोनों का वेट कितना है भाई रिस्क का भी तो वेट पता होना चाहिए एन देर वेट ऑफ ए into weight of b weight of a into weight of b is what we will write down hey everybody ah. सर ऐसा भी पॉसिबल है कि सेम इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर्स किसी इवेंट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट आए ऐसा होगा तो क्या होगा तो आएगा ना तो उसकी वजह से वही तो बता रहे हैं कि वो तेरा एडजस्ट हो जाएगा तो एक का दूसरे के साथ दूसरे का इसके साथ तो जब तू कैलकुलेट करेगा ना ए माइनस ए बार बी माइनस बी बार तो दोनों का तेरे पास अलग अलग आ, रिटर्न आएगा तो वो वो रिटर्न जो अलग अलग आया है उससे ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली वो रिस्क एडजस्ट हो जाएगा बट होगा कैसे जब मैं मेरे फॉर्मूला में तो लू उसको ये तो खाली एक एग्जाम्पल दिया पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है कि हर बार आ, यहाँ पे एच डी एफ सी और एक्सिस हर बार पॉजिटिव ही चलेंगे हो सकता है कोई सिचुएशन की दोनों नेगेटिव भी हो जाए जब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हो जाए एट दैट पॉइंट इन टाइम ध्यान से सुना एट दैट पॉइंट इन टाइम उन दोनों का जो रिटर्न्स है वो रिटर्न से वो ऑटो एडजस्ट होके आपको कोवेरियंस में उसका एडजस्टमेंट नजर आ जाएगा लॉजिकली बट वो जब समझ करेंगे तो सब चीजें समझेगी मनीषा पूछ रही है सर कैन यू अगेन टेल हाउ दैट बिकेम पॉजिटिव को रिलेशन ये तुम लोग को समझाइए कि ये क्यों पॉजिटिव को रिलेशन है ये क्यों पॉजिटिव को रिलेशन है बिकॉज एक ऊपर गया दूसरा भी ऊपर जा रहा है दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं या दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं सो so, दोनों का कनेक्शन इज सेम यहां पे दोनों का कनेक्शन इज इनवर्स वन इज गोइंग अप वन इज गोइंग डाउन वन इज गोइंग अप वन इज गोइंग डाउन इनवर्स कनेक्शन है नेगेटिव कनेक्शन यहां पे देखना एक जब हाई है मनीषा मनीषा एक जब हाई है दूसरा लो है सो देर इज अ इनवर्स कनेक्शन नेगेटिव यहां पे देखना यहां पे जब एक हाई है तो दूसरा भी हाई है यहां पे एक लो है दूसरा भी लो है पॉजिटिव कनेक्शन समझा समझा अभी क्लियर एवरीबॉडी वैसा अच्छा ये टू को कैसा कैसे है ये भी बता देता हूं देखो अभी मेरे पास यहां पे दो सिक्योरिटी है ए और बी तो ए का रिस्क बी के साथ ध्यान से सुनना ए का रिस्क बी के साथ इज को ऑफ ए बी बी का रिस्क ए के साथ इस बी ए तो कोवराइंस ए बी प्लस कोवरास बी बेसिकली वही टू कोवराइंस ए बी तो दोनों का एक दूसरे के रिस्क देखना पड़ेगा ना इन्फोसिस बढ़ा तो टीसीएस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है और टीसीएस बढ़ा तो इन्फोसिस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है कंबाइंड टू ज्वाइंट रिस्क टू कोवराइंस ए बी तो अच्छा एवरीबॉडी एंड दैट इज वेयर वी गेट दिस फाइनल फॉर्मूला ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जी हाँ जी हा चलो अब तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग को लिखना है यार बहुत टाइम लगेगा ना तुम लोग को लिखने को नहीं चल ओके okay, समझ अब सुनो कुछ डाउट और आए हैं सर 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 कोई बोल रहा है कि सर टू को ए भी अल्टीमेटली जीरो नहीं हो जाएगा नहीं ना जरूरी नहीं है कि दोनों का पूरा सेम टू सेम कनेक्शन होगा भाई नेगेटिव कनेक्शन आया है मतलब सपोज एक प्लस वन से बना जरूरी नहीं है दूसरा माइनस वन से ही गिरेगा से एक प्लस वन से ऊपर गया एक माइनस जीरो पॉइंट फाइव से नीचे गया है तो नेगेटिव कनेक्शन ही बट नेट जीरो पॉइंट फाइव आएगा एक से फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव कनेक्शन है दोनों में तो, तो एक प्लस वन से ऊपर गया एक प्लस टू से ऊपर गया टोटल थ्री का आ जाएगा कनेक्शन समझे अच्छा चलो सर आप कंटिन्यू करो हम बाद में लिख देंगे बहुत बढ़िया थैंक यू सो दैट्स हाउ इट वर्क्स क्या पॉजिटिव कनेक्शन नेगेटिव कनेक्शन कुछ समझ में आया तुम लोगों को क्या चल रहा है उधर लाइफ में बोलो बोलो चल चल सो दैट बेसिकली गिव्स यू ज्वाइंट रिस्क दैट बेसिकली गिव्स यू अ ज्वाइंट रिस्क चलो अब मुझे एक बात बताओ कि मैं दो स्टॉक्स का नाम लेता हूं तुम लोग को बताना है कि उनमें कनेक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है आ, सिप्ला एंड रैन बैक्सी अब आप बोलोगे सर हमको पता ही नहीं है कौन से इंडस्ट्री के तो फिर मैं बोलूंगा आपको यार क्या बोलू मैं सिप्ला एंड रैन बैक्सी तुमको पता है कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं ये दोनों फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं सिप्ला एंड रेनबैक्सी क्या कनेक्शन होगा दोनों में बताओ मेरे को अगर दोनों का कनेक्शन है वो सब चीजें आएंगी आगे टेंशन मत पॉजिटिव वेरी वेरी गुड गुड अब जरूरी नहीं है इनमें पॉजिटिव कनेक्शन है तो दोनों एग्जैक्टली एक ही साथ रिस्क में मूव करेगी एक ही साथ नीचे जाएगी पॉजिटिव कनेक्शन है मतलब जाएंगे दोनों ऊपर एक साथ डाउन जाएंगे तो दोनों एक साथ बट दोनों का कनेक्शन अलग होगा एक वन से गया एक थ्री से जाएगा एक टू से ऊपर गया ट्वेंटी से जाएगा सो कनेक्शन इज ओवर समझे चलो मैं बताता हूं दूसरा मेरे को एक बार बताओ कि इन दोनों का क्या कनेक्शन होगा टीसीएस एंड बीपीसीएल तुम लोगों को पता ही नहीं है बीपीसीएल क्या है टीसीएस एंड बीपीसीएल हाँ, अब एक पॉजिटिव था तो जान के दूसरा नेगेटिव बोल देते हैं देखो टीसीएस एक्सपोर्टर बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल दोनों में क्या है कनेक्शन नेगेटिव है डॉलर एक चाहिए अप्रिशिएट हो एक को चाहिए डेप्रिशिएट हो कनेक्शन नेगेटिव है जरूरी नहीं सेम कनेक्शन होगा दोनों में एक माइनस वन हुआ दूसरा प्लस हुआ, जीरो so, जरूरी नहीं है ना. करेक्ट तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इधर तक ठीक है तो ये जो है ये को क्या रिफ्लेक्ट करता है इट रिफ्लेक्ट्स द जॉइंट रिस्क इट रिफ्लेक्ट्स द जॉइंट रिस्क अच्छा एवरीबॉडी बोलो यार अब सुनना अब मैं कोवराइंस अब ये कोवराइंस लिख तो दिया अब ये कोवराइंस का फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा आओ अब अपन लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर कोवराइंस देखो मैं कनेक्शन तो कनेक्शन पे जा रहा हूं भैया पहले तुम्हारे को बताया कोवराइंस होता क्या है अब इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे जैसे कोई पूछ रहा था कि हो सकता है कि दो एक्सपोर्टर हो उन दोनों में भी तो अंदर अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है हंड्रेड परसेंट हो सकता है बेटा इसीलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि एक एक से ऊपर जाएगा तो दूसरा एक दूसरा भी एक 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 से एक से एक एक से से ही ऊपर जाएगा कभी कभी इंटरनल ने पॉजिटिव होते हुए भी, भी कभी कभी नेगेटिव हो सकता है तो वो सब कौन री कर लेता है ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली ये फॉर्मूला जो है कोवराइंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा अब सोचो कैन आई से व्हाट इज को वरास एक्स वाई इट इज रिस्क ऑफ एक्स प्लस रिस्क ऑफ वाई मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड या रिस्क क्या होता है कैन आई से इट इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन से डिविएशन यहां पे भी इसका मतलब क्या होता है कैन आई से एक्सपेक्टेशन से डिविएशन आप लोगों को शायद पता भी ना चला हो बट कोबराइंस का फॉर्मूला आ गया कोवराइंस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार एक्स का रिस्क वाई माइनस वाई बार वाई का रिस्क दोनों का समेशन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दोनों का समेशन डिवाइड बाय एन जी हा यह बन गया आपका कोवराइंस एक्स वाई का फॉर्मूला अब अगर जो डिविएशन दोनों में हो रहा है वो ये फॉर्मूला से ऑटो एडजस्ट हो जाएगा सर एमसीक्यू बनेंगे सर इस चैप्टर से वक्के तो हर चैप्टर से बनने ही है यार क्या बात करते हो सच क्लियर एवरीबॉडी समझे अब अब सुनो सर इधर तो आप लोग तो अभी तक रिस्क में स्क्वायर स्क्वायर लेते थे देखो मैं स्क्वायर स्क्वायर लेता था कोई डाउट नहीं है उसमें बट कब लेता था पता है क्या एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर क्यों लेना पड़ता था क्योंकि मैथमेटिकली अदरवाइज एक्स माइनस एक्स बार का समेशन जीरो हो जाएगा यहां पे उस चीज का टेंशन नहीं है क्योंकि एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका समेशन निकालेंगे इसकी वजह से वो जीरो नहीं होगा क्या आप लोग को समझ में आई फॉर्मूले ठीक है अब ये अगर पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हुआ तो सो इसमें भी सो को वरास एक्स वाई को क्या होता है बेटा जी को होता है जॉइंट रिस्क को एक्स वाई में दो बातें होगी अगर वो पास्ट के बेसिस पे है तो एवरेज रिटर्न्स निकलेगा तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला बनेगा को एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एंड 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 यहां पे फ्यूचर के बेसिस पे अगर देखना हो तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा वेल इट विल बी को एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार मल्टीप्लाई बाय Probability multiply by probability. Go it, go it, go it. Dun dun dun. बोलो रे अब वापस से पूरा मैं कनेक्ट कराऊंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अब एक बार तुम लोग यहां इसका कैलकुलेशन करना मैं बता दो सपोज एक्स माइनस एक्स बार दिया है वाई माइनस वाई बार दिया है ठीक है या फिर चलो ना खाली एक्स और वाई दिया है खाली एक्स दिया है खाली y दिया है थ्री सेवन एट फाइव एंड फोर नाइन सिक्स थ्री अब मैं आपको बोलता हूं हाँ सब पूरा रिकैप विकैप सब करवाऊंगा अब मैं आपको खाली बोलता हूं इसका को वराय कैलकुलेट करके बताओ दो मिनट दे रहा हूं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कैलकुलेट को वराय X, Y, your time starts now. Come on. यस yes. बोलो वॉट विल इट बी टू पॉइंट एट सेवन फाइव टू पॉइंट एट सेवन फाइव क्या पास डेटा इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं दी करेक्ट मनीषा जरूरी नहीं है ना प्रोबेबिलिटी देना कैसी बातें कर रही है टेन और एट एटीन ट्वेंटी थ्री आया तुम लोग का ये यहाँ पे थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी टू डिवाइड बाय फोर डिवाइड बाय फोर ये आ गया फाइव पॉइंट फाइव एक्स बार ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाय फोर ये आ गया फाइव पॉइंट सेवन फाइव सॉरी ये बाय बार है ये एक्स बार है ओके 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 ये आ गया वाई बार ये आ गया एक्स बार अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कोवर आयस सॉरी कैसे फाइंड करेंगे कोवर आयस फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस एक्स बार पहले ये फिर y माइनस वाई बार फिर ये फिर समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डन 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 सो एक्स माइनस एक्स बार देखो क्या होता है थ्री माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव सेवन माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव एट माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव फाइव माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव सो थ्री माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव इज सॉरी थ्री माइनस फाइव पॉइंट सेवन फाइव इज माइनस टू पॉइंट सेवन फाइव सो माइनस टू पॉइंट सेवन फाइव सही है सही है ये तुम लोग देखते जाना बराबर जा रहे हो ना तुम लोग आंसर दो ना वाई माइनस वाई बार का चारों आंसर दे दो तो वो मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ये होता है वन पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव ये कितना आ रहा है देखो अब देखो इसको ऐड करोगे तो जीरो आएगा भाई इसका समीशन करोगे ना तो जीरो आएगा बट वही अपने को नहीं करना है इसमें क्योंकि अभी अपने को पहले y इन टू वाई माइनस वाई बार निकाल के उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका समेशन करना है चलो एज पर परिता आई एम गोइंग विद परिता प्लीज हमड़ी कंफर्म अच्छा ज्ञान प्रकाश देवेश ने भी सेम आंसर दिया है शिखर ने भी सेम आंसर दिया है ग्रेट, ग्रेट 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 तो माइनस वन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव डन सब मल्टीप्लाई करो वन पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट सेवन फाइव ये आ गया आपका फोर पॉइंट वन टू फाइव ए उसका भी दो यार आंसर जितना बोला उतना ही करेंगे ये लोग एक परसेंट एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं है फोर पॉइंट वन टू फाइव हाँ फिर वन पॉइंट टू फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव वो चारों का दो आंसर हाँ गुड थैंक यू वन पॉइंट वन टू फाइव एंड वन पॉइंट एट सेवन फाइव बोलो टोटल कितना हुआ टोटल इज इलेवन पॉइंट फाइव करेक्ट बस अब इसको क्या करना है अपने को सिंपल डिवाइड बाय एन सो इज़ इक्वल टू समेशन एक्स बार वाई माइनस वाई बार अगर प्रोबेबिलिटी होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करते फिर समेशन करते यहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं है तो डिवाइड बाय एन कर लेंगे पॉइंट फाइव डिवाइड बाय फोर इक्वल टू Two point eight seven five Two point eight seven five Hey! Got Done! एवरी वन सबको सेट है दिमाग में ठीक है जॉइंट रिस्क सब समझ में आया चलो अब वापस एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं सपोज चलो एक एग्जांपल देता हूं कोवराइंस uh, ऑफ सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी इज इक्वल टू minus थर्टी इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ बोलो देता हूं ब्रेक देता हूं बट इसका इंटरप्रिटेशन बताओ इसका इंटरप्रिटेशन हुआ आई से इन दोनों में नेगेटिव किस्मत कनेक्शन है मतलब सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी मूव इन सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन तुम लोग को लिख के बताना है सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन बोलो मूव इन सिक्योरिटी ए एंड बी मूव इन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन यस क्लियर एवरीबॉडी नाउ चलो और एक एग्जाम्पल देता हूं चलो सपोज इंफोसिस एंड टीसीएस दबा इन्फोसिस हंड्रेड पॉइंट अप टीसीएस फिफ्टी पॉइंट डाउन बोलो क्या होगा क्या कनेक्शन है ये क्या कनेक्शन है ये पॉजिटिव के नेगेटिव कनेक्शन बताओ पॉजिटिव के नेगेटिव करेक्ट नेगेटिव कनेक्शन बच्चा परफेक्ट परफेक्ट समझो और एक कोई एबीसी शहर है और एक्स वाई जी शहर है सपोज 200 हंड्रेड पॉइंट डाउन थ्री हंड्रेड डाउन क्या होगा क्या कनेक्शन है ये दोनों डाउन डाउन है पॉजिटिव के नेगेटिव कनेक्शन एवरीबॉडी हैज टू आंसर कौन स्टार्ट राज बोलता है नेगेटिव कनेक्शन बाकी सारे बोल रहे हैं पॉजिटिव कनेक्शन शिखर बोल रहा है नेगेटिव कनेक्शन बाकी सारे बोल रहे हैं पॉजिटिव कनेक्शन बताओ यार बताओ अरे यस इट इज अ पॉजिटिव कनेक्शन यार भाई एक डाउन दूसरा भी डाउन तो दोनों पॉजिटिवली कनेक्टेड है खाली वो डाउन डाउन देख के नेगेटिव नहीं बोलना है राजभाई <clears throat> समझ गए सर समझ गए समझ गए सो कोवराइंस अ मेजर ऑफ जॉइंट रिस्क क्या बताता है अपने को अ मेजर ऑफ जॉइंट रिस्क शोज द डायरेक्शन बिटवीन टू Securities shows the direction between two securities. ए hey, समी ग चलो अब ब्रेक तो बनता है बट उसके पहले छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए आज अपन ने किसे स्टार्ट किया फॉर्मूला लिखते जाओगे तुम लोग भी किससे स्टार्ट किया पोर्टफोलियो रिटर्न से क्या होता है पोर्टफोलियो रिटर्न वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बार वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बार वेट ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एन बार नेक्स्ट पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई प्लस अब इन दोनों का जॉइंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय दोनों का जॉइंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय बोलो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई बट ये कोवराइंस क्या होता है सर सर होता है जॉइंट रिस्क सर कोवराइंट होता है जॉइंट रिस्क क्लियर एवरीवन? ठीक है जॉइंट रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है सर ये कोवराइंस ऑफ एक्स वाई समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई

Direction between two securities between two securities, Achha, everybody. ओके okay. इसी के साथ शुरू होता है ब्रेक ब्रेक के बाद कुछ और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें होने वाली है सो यू हैव अ ब्रेक फाइव मिनट्स मिलते हैं फाइव मिनट्स के ब्रेक के बाद लिखने का कार्यक्रम करते दे रहे देखो सम्स मैं सॉल्व करवा दूंगा बट ये लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता फिर अदरवाइज एक मतलब समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं?